किचन क्वीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बाजरे के आटे और बेसन से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना और टमाटर की चटनी बनाना। इसके लिए हमने लिया है 4 टेबलस्पून बाजरे का आटा, 4 टेबलस्पून बेसन, आधा कटोरी धनिया पत्ता, थोड़ा हरा मटर, 1 टेबलस्पून सौंफ और आधा टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा स्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार काला नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा रिफाइंड तेल, 4 बोयल आलू और 2 हरी मिर्च। चटनी के लिए हमने यहाँ 3 टमाटर, 4 हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ता और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके बाद हम चटनी बना लेंगे। धनिया पत्ता डाल लेंगे, अदरक भी डाल लेंगे, लहसुन और मिर्ची डाल देंगे, टमाटर को 2 टुकड़ों में काट के वो भी डाल लेंगे। आधा टेबल स्पून नमक डाल लेंगे और इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसको हमें हल्का दरदरा ही रखना है, इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना। चटनी हमारी बन गई है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी में हम मटर के दानों को भी हल्का दरदरा पीस लेते हैं। इसके बाद हम आलू लेंगे और आलू में हरी मटर डाल लेंगे और धनिया पत्ती भी डाल लेंगे और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको मैश होने के बाद इसमें बाजरे का आटा डाल लेंगे, बेसन डाल लेंगे, धनिया और गरम मसाला डाल लेंगे, अजवाइन सौंफ, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, और नमक डाल लेंगे और इसको अच्छे से एक आटे का जैसा डो तैयार कर लेंगे। कोशिश करें हम आलू से इसका आटा लगाएं, पानी ना डालें। आटा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला के 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इधर एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं। अभी ये आटा तैयार है, अब हम हाथों में हल्का तेल लगाएंगे और आटे की छोटी छोटी लोई तोड़ के और उनको हल्का गोल चपटा बना लेंगे और इसको चॉपिंग बोर्ड या बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसा हमें पूरे आटे का बना लेना है।
अब हम तेल को चेक कर लेंगे। अगर तेल गर्म हो गया है तो हम इनको हल्के हाथ से उठाते हुए एक एक करके तेल में डाल लेंगे। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। जब तक ये नीचे से ब्राउन कलर के ना हो तब तक हमें इनका साइड चेंज नहीं करना। ये हल्के ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, अब इनको हम चेक कर लेते हैं। अगर ये नीचे से पक गए हैं तो इनका सभी का साइड चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अभी ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनको हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। हमने प्लेट में इनको बाहर निकाल लिया है। और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी हल्के हाथ से उठाते हुए सभी को फ्राई कर लेना है। इंडक्शन को हम बंद कर देते हैं और इनको भी निकाल लेते हैं। बाजरा स्पेशल नाश्ता बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर दही चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।